गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनी सिंह तोमर और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। हम आज पढ़ने वाले हैं साइक्लोन। साइक्लोन यानी कि चक्रवात। और आप जानते हैं अभी हाल फिलहाल में 20 मई के दिन चक्रवात आया था भाई पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान नाम का, जिसने भारी तबाही मचाई है। तो उसके संबंध में भी हम बात करेंगे भाई कि किस प्रकार से कहाँ से वो चक्रवात उठा, यानी कि कहां पर वो बना और किस प्रकार से स्थितियां उसकी सुपर साइक्लोन में बदली, तो उन सारी स्थितियों को भी हम देखेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो राइट साइड में रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर क्लिक करें भाई, और बेल आइकन पर ऑल का बटन दबाएं ताकि हमारे इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सकें। तो देखते हैं, देखो चक्रवात क्या होते हैं भाई, चक्रवात या फिर आप कह सकते हैं साइक्लोन, या फिर आप कह सकते हैं साइक्लोन। तो ध्यान दो, देखो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझना, बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है भाई, लेकिन जो भी शब्द मैं बोलता हूं वो आपको लिखते हुए चलना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिखने का कुछ ज्यादा नहीं है इस टॉपिक में। तो मैं देखो आपको समझाता हूँ बहुत बेहतर तरीके से, जितना भी अच्छे से अच्छा मैं आपको समझा सकता हूँ भाई। देखो ये है अरब सागर, ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। इसी प्रकार से भारत की स्थिति है भाई, बंगाल की खाड़ी। तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे और हर एक शब्द को लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप ये लिखें कि भारत में चक्रवात की उत्पत्ति, भारत में चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है, भारत में चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है, और ये चक्रवात पूरब से पश्चिम दिशा में चलते हैं, और ये चक्रवात की जो गति होती है वो गति की दिशा क्या होती है भाई, गति की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। और आप जानते हैं कि पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर एक पर्वत पाया जाता है और उस पर्वत का नाम है पूर्वी तटीय या पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पर्वत। ये सारी बातें आप जानते हैं भाई अगर शुरू से ज्योग्राफी हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के पश्चात पूर्व से पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये किससे टकराएंगे भाई, पूर्वी घाट पर्वत से टकराते हैं, और पूर्वी घाट पर्वत से टकराने के बाद पूरे पूर्वी तट पर वर्षा करते हैं, पूरे पूर्वी तट पर वर्षा करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही है भाई कि उत्पन्न कहां पर होंगे, बंगाल की खाड़ी में, और इनकी गति कैसी होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर होगी, और टकराएंगे कहां जाकर, पूर्वी घाट पर्वत पर, और इसी तट पर मूसलाधार वर्षा होती है। और देखो और समझने की कोशिश करेंगे, ये है आपकी मुख्य रूप से कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा है भाई, कर्क रेखा, सही है। और आप जानते हैं कि भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में यह है 0 डिग्री, और इसी को आप कहते हैं विषुवत रेखा, किस नाम से जानते हैं भाई, विषुवत रेखा, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा होती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा होती है। तो आप समझने की कोशिश करें कि 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री ये वाला जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय कहलाता है, कौन सा कटिबंध कहलाता है भाई, उष्ण कटिबंध, यानी कि ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है भाई। इसीलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में उत्पन्न होने वाले चक्रवात की प्रकृति क्या होती है, भारत में उत्पन्न होने वाले चक्रवात की प्रकृति क्या होती है, तो आप लिखेंगे भारत में उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात हैं वो कैसे होते हैं भाई, उष्णकटिबंधीय, कैसे होते हैं, उष्णकटिबंधीय। तो रट लें इस बात को बिल्कुल कि भारत में उत्पन्न होने वाले चक्रवात या भारत में आने वाले चक्रवात की प्रकृति कैसी होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, जो अभी हाल फिलहाल में 20 मई को अम्फान आया है वो किस प्रकृति का था भाई, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्यों, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय जोन में उत्पन्न हो रहा है, और आप जानते हैं
इस क्षेत्र में पूरे के पूरे वर्ष भर लगभग सूरज की किरणें बिल्कुल लंबत पड़ती हैं। तो इतना तो क्लियर कर पा रहे हैं भैया कि भारत में उत्पन्न होने वाला चक्रवात एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो कहां पर उत्पन्न होगा, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होगा और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलेगा और पूर्वी घाट पर्वत से टकराएगा और टकराने के बाद पूर्वी तट पर यह वर्षा करता है। क्लियर है भाई? लेकिन आपको याद रखना है, आपने एक चक्रवात और पढ़ा है जो यहाँ पर यूरोप में उत्पन्न होता था, यूरोप से उत्पन्न होकर भारत के उत्तर पश्चिम से प्रवेश करता था, सही है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते थे भाई, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। अब आपको याद आया होगा भाई, ये जो पश्चिमी विक्षोभ था ये एक समशीतोष्ण चक्रवात था, सही है। तो देखो इसमें रटने की कोशिश ना करें भाई, आप चीजों को समझने की कोशिश करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जनरली लोग जो टीचर्स हैं और वो पढ़ाते भी नहीं भाई, हम पढ़ रहे हैं देखो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, थोड़ा सा धैर्य के साथ बहुत स्लो पढ़ेंगे क्योंकि हर एक चीज आपको समझ में आ जाए। आप जनरली ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, नदियों को पढ़ लेते हैं, पहाड़ों को पढ़ लेते हैं, बांधों को पढ़ लेते हैं, झरनों को पढ़ लेते हैं, तो इन्हीं सारी चीजों को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हमने ज्योग्राफी पूरी तरह से पढ़ ली है, लेकिन ये तो बेसिक भी नहीं है भाई, यहाँ से तो ज्योग्राफी शुरू होती है, मतलब दिमाग का प्रयोग यहाँ से शुरू होता है, उससे पहले की चीजें तो रट्टाफिकेशन वाली होती हैं। तो आप समझते हुए चले बहुत ध्यान से, हर एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे किसी भी लेवल का आपके सिलेबस में आ जाए। तो देखेंगे, ध्यान देंगे, कर्क रेखा से ऊपर है, कर्क रेखा से ऊपर है और मैंने आपको बताया था कि जहां पर ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं इसके उत्तर में, यानी कि जो भूमध्य सागर है उसके उत्तर में क्या होती है भाई, शीतोष्ण जलवायु, और उसके दक्षिण में जो सहारा मरुस्थल था वहां पर कौन सी जलवायु होती है, वहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु। इसी कारण ये शीतोष्ण क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, लेकिन दोनों की वायु, इसमें दोनों की जलवायु समान होती है, एक शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय, इसमें क्या लगा दिया जाता है, इसीलिए इसमें समशीतोष्ण। तो आप याद रखेंगे पश्चिमी विक्षोभ एक समशीतोष्ण चक्रवात है, लेकिन भारत में आने वाला चक्रवात कैसा है भाई, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इतना क्लियर है? अब देखो समझने की कोशिश करेंगे, अब हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उससे पहले मैं आपको दो बातें और समझाता हूं भाई, बहुत ध्यान से समझें, मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, लेकिन अरब सागर में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, लेकिन अरब सागर में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। अगर चक्रवात उत्पन्न होते हैं समुद्री क्षेत्रों में तो चक्रवात तो अरब सागर में भी उत्पन्न होने चाहिए थे। तो इसके दो प्रमुख कारण आप समझ सकते हैं, जनरली तो एक ही आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, चक्रवात जो उत्पन्न होते हैं किसी भी क्षेत्र के या किसी भी भूमिखंड के, किसी भी भूमिखंड के मुख्य रूप से, सही, अपवाद हैं कुछ लेकिन मुख्य रूप से पूर्वी तट पर उत्पन्न होते हैं। किस तट पर? पूर्वी तट पर, सही है भाई, ये बात क्लियर रहेगी। तो भारत का पूर्वी तट कौन सा है, बंगाल की खाड़ी वाला सिरा, तो इसीलिए यहां पर उत्पन्न होते हैं। ऐसा क्यों? तो आप याद रखेंगे समुद्र में कुछ जलधाराएं चलती हैं, यानी कि जल के प्रवाह की दिशा, तो उनकी प्रकृति दो होती है, एक तो गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। तो आप याद रखेंगे भारत के बंगाल की खाड़ी या फिर किसी भी महाद्वीप के, किसी भी महाद्वीप के पूर्वी तट पर गर्म जलधाराओं का प्रभाव होता है। किस प्रकार की? गर्म जलधाराओं का प्रभाव होता है, जबकि पश्चिमी तट पर, जबकि पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराओं का, ठंडी जलधाराओं का प्रभाव होता है। ये दो बात समझे भाई कि भारत के पूर्वी तट यानी कि बंगाल की खाड़ी में गर्म जलधाराओं का प्रभाव होता है, जबकि ठंडी जलधाराओं का प्रभाव कहाँ होता है भाई, पश्चिमी तट यानी कि अरब सागर में, और ठंडी जलधारा होने के कारण ही यहाँ पर जल का बाष्पीकरण, जल का बाष्पीकरण नहीं हो पाता है, और जब जल का बाष्पीकरण नहीं होगा तब वहां पर जल जो चक्रवात है आपके उत्पन्न नहीं हो पाएंगे, तो वहां पर चक्रवात आपके उत्पन्न नहीं हो पाएंगे, और गर्म जलधारा के कारण यहाँ पर जल का जल के बाष्पीकरण में ये सहायता करती हैं, और इसी कारण से यहाँ पर क्या होते हैं भाई,
चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो ये तीन चार बातें आप समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अब देखो इसके आगे की चीज आप समझने की कोशिश करें, सही है। दूसरा कारण हम देखेंगे, देखो हम ये पढ़ चुके हैं भाई, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है और जो सूरज चमकता है वो पूर्वी तट यानी कि पूरब से चमकता है भारत में। कहाँ से चमकता है भाई? इधर से। तो यहाँ से तो पूरब सूरज की जो किरणें हैं बंगाल की खाड़ी में बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, सूरज क्योंकि इस प्रकार से पृथ्वी घूम रही है। अरे सूरज इधर है और पृथ्वी इस प्रकार से ही तो घूम रही है भाई, तो सबसे पहले सूरज की किरणें इधर से पड़ेंगी तो बंगाल की खाड़ी में बिल्कुल सीधी सीधी पड़ रही है या नहीं ये बताओ। बिल्कुल सीधी सीधी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है और ये पश्चिमी घाट पर्वत बहुत ऊंचा है भाई, 2396 इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं यहाँ पर, तो 2696 मीटर की ऊंचाई बहुत होती है भाई। और सूरज की जो नमी जो गर्माई है यानी कि सूरज की जो किरणें हैं वो जो अरब सागर में बिल्कुल लंबत पड़नी चाहिए थी, कैसी बिल्कुल लंबत पड़नी चाहिए थी, उनका टकराव होता है पश्चिमी घाट पर्वत के साथ, और पश्चिमी घाट पर्वत के साथ इसका टकराव होने के कारण जो वास्तविक ऊर्जा मिलनी चाहिए थी अरब सागर को, किसकी? सूरज की, वो वास्तविक ऊर्जा नहीं मिल पाती। और जब वास्तविक ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तो क्या यहाँ का जल वाष्पित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा भाई। तो ये दो प्रमुख कारण हैं, एक तो अरब सागर वाले क्षेत्र यानी कि पश्चिमी तट में ठंडी जलधारा या ठंडी सागरीय जलधारा का प्रभाव होता है, और दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं भाई कि इसके मुहाने पर यानी कि पश्चिमी तट पर एक पर्वत है जो सूरज से आने वाली ऊष्मा का बिल्कुल वास्तविक भाग अरब सागर पर नहीं पड़ने देता है, इसीलिए जो वास्तविक तापमान चाहिए किसके उत्पन्न होने के लिए, चक्रवात के उत्पन्न होने के लिए, वो वास्तविक तापमान नहीं मिल पाता है, और इसी कारण ये अरब सागर वाला क्षेत्र प्रभाव रहित रहता है, किससे? चक्रवातों से। क्लियर है भाई? इतना क्लियर हुआ या नहीं? अब देखो मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं कि जल का वाष्पीकरण होगा तभी चक्रवात उत्पन्न होगा, जल का वाष्पीकरण होगा चक्रवात तभी उत्पन्न होगा, ये बात क्यों कह रहा हूं मैं बार बार? तो देखो बिल्कुल वैसे ही आप समझने की कोशिश करें जैसे स्थल खंडों पर आपने ITCZ देखा था भाई। ITCZ क्या होता था? जहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबत पड़ती हैं, जहां पर सूरज की किरणें बिल्कुल लंबत पड़ती हैं और लंबत पड़ने के बाद वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वहां की गैसें गर्म होकर ऊपर उठेंगी और इसी कारण उस क्षेत्र में निम्न दाब लो प्रेशर एरिया स्थापित हो जाता है और चारों ओर से उस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए हवाएं चल पड़ती हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है आपका समुद्री क्षेत्रों में, बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है समुद्री क्षेत्रों में, क्योंकि समुद्र की सतह जो समुद्र की ऊपरी सतह होती है वहां पर भी जब सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबत पड़ती हैं, आप समझें इस चीज को तभी आप क्लियर कर पाएंगे भाई। देखो मैं आपको और डिटेल से बताने की कोशिश करता हूं भाई ताकि आप इस चीज को समझ पाए। आप ये मानकर चलें ये जो है समुद्र की सतह है और जब इस पर सूर्य की लंबत किरणें पड़ेंगी तो लंबत किरणें पड़ने से मान लो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कैसा हो गया भाई? हाई टेम्परेचर। और जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो इस समुद्री क्षेत्र की ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र समझ लो, तो कुछ क्षेत्र में सूर्य की बिल्कुल लंबत किरणें पड़ी और लंबत किरणें पड़ने से यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया? हाई टेम्परेचर। और जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो यहाँ की हवाएं ऊपर की ओर उठ जाएंगी, यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाएंगी, और जब हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाएंगी तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया स्थापित हो जाएगा। अब होगा क्या? अब होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है भाई प्रकृति हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करती है, तो उसी लिए ये जो आसपास का क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी वाला, यहां से कुछ हवाएं इस क्षेत्र को भरने के लिए चल पड़ेंगी, लेकिन होता क्या है, समुद्री क्षेत्र में ये जो हवाएं हैं वो बिल्कुल लंबत नहीं आती हैं, वो कैसी आती हैं? चक्रीय क्रम में। किस प्रकार से चलती हैं भाई? चक्रीय क्रम में चलती हैं। और ये भी याद रखेंगे चक्रीय क्रम दो प्रकार से हो सकते हैं। अरे हवाएं दो प्रकार से घूम सकती हैं, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा
एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके कुछ नियम हैं, उन पर हम अभी नहीं जा रहे, नहीं तो ये टॉपिक से हट जाएंगे अपने। तो आप अभी डायरेक्ट याद रखें कि उत्तरी गोलार्ध में ये जो चक्रीय हवाएं हैं समुद्री क्षेत्रों में किस चीज को उत्पन्न करने के लिए, चक्रवात को, इन हवाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है भाई? एंटी क्लॉकवाइज। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होती है वो क्लॉकवाइज। तो देखो मैंने आपको बनाया भी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज की इस प्रकार से घूम रही है ये, सही है भाई? तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर क्लॉकवाइज होता तो इस प्रकार से घूमती, तो आप याद रखेंगे इनकी दिशा कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है भाई, एंटी क्लॉकवाइज, याद रखेंगे। इतना क्लियर है? अब देखो हुआ क्या, जब यहां पर लो प्रेशर एरिया हो गया, चारों ओर से हवाएं इसे भरने के लिए चल पड़ी, तो जब इन हवाओं की दिशा चक्रीय होगी तो ये वाला क्षेत्र स्थिर ना रहकर, ये वाला क्षेत्र स्थिर ना रहकर हवाओं का एक चक्रीय, हवाओं का एक चक्रीय गुंफित मार्ग बन जाता है, चक्रीय गुंफित मार्ग बन जाता है या स्थान बन जाता है। और ये जो हवाएं हैं एक ही दिशा पर बहुत तेज वेग से घूमने लगती हैं। इनका वेग मिनिमम 150 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, सही है, मिनिमम। और सामान्य जो चक्रवात में हवाओं या पवनों की गति होती है वो लगभग 220 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितनी तेजी से चलती हैं, एक घंटे में 220 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं, इतनी तेज ये हवाएं चलती हैं। अगर इनके मार्ग में कोई आ गया नहीं, इंसान तो इंसान, घर भी उड़ जाते हैं भाई, इतनी तेज इन हवाओं की गति होती है। तो आप देखेंगे अब ये मार्ग कैसा क्षेत्र हो गया समुद्र में, इस प्रकार से हवाएं चल रही हैं, इस प्रकार से बहुत तेज 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 तेज। तो इसी प्रकार के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं भाई, चक्रवात। अब आप क्लियर कर पाए होंगे कि चक्रवात किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, क्लियर है भाई? और देखो एक दो बात और याद रखेंगे आप, ये जो चक्रवात है सामान्य गति 150 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट होती है, और अगर 250 से ऊपर पहुंच जाए तो उसे सुपर साइक्लोन कहते हैं, यानी कि महाचक्रवात। अगर इन हवाओं की जो गति है, यानी कि यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए, बहुत हाई टेम्परेचर जब हो जाएगा तो अत्यधिक निम्न दाब का क्षेत्र हो जाएगा, और इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए बहुत तेजी से हवाएं चलेंगी। अगर इनकी गति 250 या 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाती है तो इस चक्रवात को सुपर साइक्लोन के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे जब इसकी यानी कि निम्न दाब की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं उनकी गति 250 किलोमीटर पर आवर पार कर जाती है, तो इन हवाओं के द्वारा जो निर्मित चक्रवात होता है उसे चक्रवात ना कहकर सुपर साइक्लोन यानी कि महाचक्रवात के नाम से हम जानते हैं। इतना क्लियर है? अब देखो दो या तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वन लाइन, बिल्कुल। अब उन क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सही है? आप ध्यान रखें, देखो ये है जहां पर निम्न दाब का क्षेत्र है, ये कहलाता है चक्रवात का केंद्र, चक्रवात का केंद्र, सेंटर ऑफ साइक्लोन, क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ साइक्लोन। और इसे एक नाम और दिया जाता है चक्रवात की आंख, चक्रवात की आंख। तो आपसे ये दो लाइन पूछी जाती हैं, चक्रवात की आंख या चक्रवात का केंद्र, सेंटर ऑफ साइक्लोन होता है निम्न दाब का क्षेत्र, उच्च दाब का क्षेत्र, या कह नहीं सकते, या फिर किस प्रकार का होता है? तो आप लिखेंगे लो प्रेशर एरिया, निम्न दाब का क्षेत्र, यानी कि चक्रवात के केंद्र में हमेशा कैसा दाब होगा, निम्न दाब होगा, क्लियर है भाई? और देखेंगे मान लो ये पूरा चक्रवात इस प्रकार से है, देखो मैं यहां पर आपको बनाकर दिखाता हूं, इस प्रकार से ये चक्रवात उत्पन्न हो रहा है भाई, इस प्रकार से, क्लियर है? ये है पूरा चक्रवात। तो अगर ये पूरा चक्रवात है, ये पूरा अगर आप चक्रवात मानकर चल रहे हैं, तो इसमें हवाएं कैसे प्रवेश करेंगी भाई, इस प्रकार से, अरे एंटी क्लॉकवाइज हवाएं इसी प्रकार से तो प्रवेश करेंगी। और देखो अगर इसे हम एक गोला मान लें तो ये केंद्र होगा, अरे अगर गोल मान ले इसे, ये केंद्र होगा, और ये क्या होगा, इसकी परिधि, ये क्या होगी, इसकी परिधि। तो हम ये मानकर चल रहे हैं ये चक्रवात बिल्कुल गोल है, तो ये केंद्र, सेंटर ऑफ साइक्लोन हो गया, और ये क्या हो गई, इसकी परिधि,
क्या हो गई भाई? परिधि। तो आप याद रखेंगे कि जैसे जैसे आप केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं, केंद्र में कैसा है? लो प्रेशर एरिया। तो केंद्र से परिधि की ओर जाने पर, केंद्र से परिधि की ओर, परिधि की ओर जाने पर जो प्रेशर है, दाब, वो क्या होता है भाई? बढ़ता है। हमेशा याद रखना ये बात। और आप ये मानकर चल सकते हैं कि बहुत ये 920 mb होगा, मिलीबार, 920 मिलीबार दाब सेंटर में, उससे भी कम हो सकता है। फिर 940 मिलीबार होगा, 940 मिलीबार, फिर 960 मिलीबार, 970 मिलीबार। तो इस प्रकार से लगातार केंद्र से परिधि की ओर जाने पर जो प्रेशर है उसमें लगातार क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। इस बात को याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया हमारा, दूसरा क्वेश्चन कहां से बनता है वो आप देखें भाई। दूसरा क्वेश्चन बनता है पवनों की दिशा से। ये जो पवने होती हैं उनकी दिशा किस प्रकार से होती है? तो परिधि से कहां की ओर जा रही है? केंद्र की ओर। तो याद रखेंगे चक्रवात में, चक्रवात में मैं बोल देता हूं आप लिख लें, चक्रवात में जो पवनों की दिशा है, जो डायरेक्शन ऑफ एयर होती है भाई, वो कहां होती है? परिधि से केंद्र की ओर। हमेशा कहां से चलेंगी? परिधि से केंद्र की ओर, और बिल्कुल लंबत नहीं चलेंगी। कैसी चलेंगी? चक्रीय क्रम में। किस क्रम में चलेंगी भाई? चक्रीय क्रम में चलेंगी। और चक्रीय क्रम में किस प्रकार से? उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में ये चलेंगी क्लॉकवाइज। तो इतना क्लियर हो पाया सब कुछ? ये बिल्कुल बेसिक था। आप समझ रहे होंगे कि चक्रवात कैसे कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखो हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, सही है? देखते हैं, देखो और मैं टाइम देख लेता हूं एक सेकंड। अगर ज्यादा बड़ी वीडियो होगी तो इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, नहीं तो अभी खत्म कर लेंगे भी। तो देखो 22 मिनट की तो वीडियो हो चुकी है भाई, सही है? तो देखते हैं, देखो थोड़ा सा 2-4 मिनट और पढ़ लेते हैं, नहीं तो बड़ी हो जाएगी ये वीडियो। चलो एक चीज और देखते हैं, देखो चक्रवात से संबंधित, फिर इसका जो पूरी मैकेनिज्म है वो अगली वीडियो में हम समझेंगे। एक बात और समझें, आप ये मानकर चले भाई कि ये वो क्षेत्र है जहां पर निम्न दाब है, लो प्रेशर एरिया। कैसा क्षेत्र है भैया? लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर। कैसा है भाई? हाई टेम्परेचर। क्लियर है? कैसा क्षेत्र होगा ये? हाई टेम्परेचर। अब देखो ध्यान दें कि यहां पर मैंने क्या बताया था कि आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां से हवाएं इसे भरने के लिए चलती हैं लो प्रेशर एरिया को। लो प्रेशर एरिया को क्या करती है भाई? आसपास की हवाएं भरने के लिए चलती हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश करें भाई, यहां पर कैसा टेम्परेचर है? हाई टेम्परेचर। क्या जब हवाएं दूर दूर के क्षेत्र से, मतलब बहुत दूर से आएंगी, और वहां पर क्या है? यहां पर कम ताप है, यहां पर टेम्परेचर क्या है? लो। अरे तभी तो हवाएं स्थलखंड पर हैं, नहीं तो ये भी तो उड़ जाती। यहां पर टेम्परेचर लो है, तो यहां से जब आगे की ओर आएंगी हाई टेम्परेचर में, क्या इनके टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होगी? होगी। अरे कम ताप से जब ज्यादा ताप की ओर आएंगी तो टेम्परेचर में वृद्धि होगी या नहीं? और टेम्परेचर में वृद्धि होने के कारण जैसे जैसे इस क्षेत्र की ओर बढ़ेंगी, इसे क्या कहा था? सेंटर ऑफ साइक्लोन या आइस ऑफ साइक्लोन, यानी कि साइक्लोन की आंख कहा था हमने। तो ये हवाएं जब कम ताप से साइक्लोन की आंख की तरफ चलती हैं तो इनके टेम्परेचर में वृद्धि होने लगती है, और इसी कारण ये हवाएं कभी भी साइक्लोन की आंख में जो निम्न दाब है उसे नहीं भर पाती। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही ये गर्म होकर ऊपर उठ जाती। कैसे? देखो ये आ रही है, धीरे धीरे गर्म हो रही है ये हवाएं क्या हो रही है? धीरे धीरे गर्म, और गर्म होकर ये खां को उठने लगी ऊपर की ओर। और इसी प्रकार से यहां से आने वाली हवाएं भी धीरे धीरे क्या हो गई? ऊपर की ओर। इस प्रकार से जितनी भी हवाएं हैं वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ जाती हैं, इस प्रकार से, सही है? तो जो हवाएं सेंटर में पहुंचनी चाहिए थी वो सेंटर में पहुंची ही नहीं। अब क्या यहाँ का जो लो प्रेशर है वो क्या कभी खत्म हो पाएगा? नहीं, जब तक हाई टेम्परेचर यहां पर रहेगा तब तक कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार से देखो एक दीवार नुमा आकृति बन जाती है साइक्लोन की आंख के सहारे। साइक्लोन की आंख ये क्या है? चक्रवात की आंख।
चक्रवात की आंख के सहारे एक दीवार बन जाती है जिसे चक्रवात की दीवार कहते हैं, चक्रवात की दीवार कहते हैं। तो आप याद रखेंगे भाई, चक्रवात की दीवार किससे निर्मित होती है? जो हवाएं निम्न दाब को भरने के लिए आ रही हैं उनके निकट या सॉरी लो प्रेशर एरिया के निकट वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं लंबताकार रूप में, और इसी को चक्रवात की दीवार कहते हैं। आप देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र है इसके ऊपर कभी भी बारिश नहीं होती, ये जो क्षेत्र है मेघ रहित होता है। कौन सा? चक्रवात की आंख के ऊपर वाला, चक्रवात की आंख के ऊपर वाला। लेकिन वह क्षेत्र जो चक्रवात की दीवार के ऊपर होता है, क्योंकि यही हवाएं तो गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं, और जो हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं क्या उनका संघनन नहीं होता? अरे संघनन उन्हीं का तो होता है। तो इसके ऊपर बादलों का निर्माण होता है, किसके ऊपर? चक्रवात की दीवार के ऊपर। जबकि चक्रवात की आंख के ऊपर का क्षेत्र कैसा रहता है? मेघ रहित, कोई भी बादल नहीं होते हैं, और यही ये हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं और वहीं से क्या होती है? बारिश। तो बारिश मुख्य रूप से चक्रवात की आंख यानी कि केंद्र के ऊपर नहीं होती है, क्योंकि वहां पर गर्म हवाएं नहीं होती हैं, उससे पहले ही लंबताकार में हवाएं ऊपर उठ जाती हैं जिन्हें चक्रवात की दीवार कहते हैं, और इन्हीं के ऊपर काले कपासी बादल का निर्माण होता है। काले कपासी मेघ या बादल का निर्माण होता है, और इन्हीं क्षेत्रों में बारिश होती है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया है भाई, और अगली वीडियो में हम पूरा जो मैकेनिज्म है उसे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो आप बताना क्या इस वीडियो का पढ़ाया हुआ मेरा आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर थोड़ा सा शॉर्ट करके बहुत तेजी से हम पढ़ें, ताकि आप जो और चैनलों पर पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से हम इस पर पढ़ सकें भाई, क्योंकि और चैनलों पर मुख्य रूप से अब टाइम पास किया जा रहा है, उन्होंने सारे कोर्स पेड कर दिए हैं जिसमें दो चार बातें वो बताते हैं, सही है। तो आप इस चैनल को जरूर ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंचाइए भाई, जो एफर्ट नहीं कर सकते पेड कोर्स को, तो निशुल्क इस तरह की क्लास वो पा सकें और अपनी नॉलेज को ग्रोथ कर सकें भाई। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना भाई, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को, अपने साथियों को इसे शेयर जरूर करना, कम से कम 5 लोगों को तो शेयर जरूर किया करो भाई हर वीडियो। तो आप देखना ये चैनल बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा भाई। थैंक यू।